नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी को स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है ना, जिसको लेकर दिलों में आहट पहुंचती है और दिल में एक अलग सी कसम जो होती है ना, कि वो चीज सामने आने लगती है और आपको लगता है कि यार क्या ही है, मतलब क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन भोजपुरी इंडस्ट्री, और आपको काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। क्योंकि कल एक मामला सामने आया था, और कल आप जो मामला है वो बखूबी जानते होंगे। आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि रवि किशन और पवन सिंह की एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिस फिल्म का नाम है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान यानी कि पूरा देश को महानता की बात की जा रही है, और ये मुझे लगता है कि देशभक्ति फिल्म है, और इस फिल्म को लेकर लोग जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि अपने देश के सम्मान की जब बात होती है और अपने देश की रक्षा सुरक्षा की बात होती है, तो आदमी गौर से सीना चौड़ा कर अपनी भारत की भलाई के लिए और भारत की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो बॉर्डर पर हमारे जवान हो या फिर देश में किसान हो। ये सब जो लोग हैं वो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और देश की उन्नति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इसी टाइटल की, मतलब इसी टाइटल की मेरा भारत महान फिल्म की शूटिंग हो रही है, और वो भी भोजपुरी के एक बहुत बड़े सितारे रवि किशन का, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी कि देश के सर्वोच्च जो है पद होता है, वो एक प्रकार का सांसद का पद होता है, तो वहां पर बैठ रहे हैं और उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान ढेलामारी, पत्थरबाजी, इस प्रकार की चीजें होने लगी। ये बुरा लगता है भाई, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ इसमें लोकसभा सांसद, ऊपर से टाइटल मेरा भारत महान, और वहां पर इस प्रकार की पत्थरबाजी, मतलब दिल से बहुत ही बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। और ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए, और ऐसे जो लोग करते हैं वो शायद, अब क्या कहा जाए उनको, ये तो पुलिस प्रशासन का मामला है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और मुझे इस चीज से आहत पहुंचा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो है जौनपुर में, जो कि जौनपुर के जो है ये रवि किशन जी जौनपुर के हैं, और उनके ही आसपास में रहने वाले लोग इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो गई, बताइए, ढेला चलने लगा। और सबसे सबसे दुख की बात थी कि वहां पे जो उनके को एक्ट्रेस थी मनी भट्टाचार्य, उनको चोट आ गई उनके सर पे, देखे आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बैंडेज लगा हुआ है, तो उनको चोट भी आ गया। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के टीम को लेकर भी काफी ज्यादा हमला हुआ था, और पिछले आप देखे कि खेसारी लाल यादव का हाजीपुर में हमला हुआ था, और भी तमाम कलाकारों के साथ ऐसा होता रहा, गोलू राजा में जो है गोली चल गया था। तो ऐसी घटनाएं अगर घटित होती है तो मुझे बुरा लगता है, पर्सनली बुरा लगता है, और आपको भी बुरा लगता होगा, क्योंकि किसी के सम्मान में, किसी के देश के प्रति कोई फिल्म बन रही है और फिल्म के बड़े सांसद काम कर रहे हैं, और वहां पर अगर पत्थरबाजी हो जाती है तो भाई दिल से बुरा लगता है, भाई दिल से बुरा लगता है। और ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।